नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिया। प्रशासन ने 144 धारा क्यों लगाई? खरगोन में सेल्फी पर बैन क्यों लगा? नर्मदा नदी के किनारे सेल्फी लेने के दौरान लगातार हादसे हो रहे हैं, इसी के चलते खरगोन कलेक्टर द्वारा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई है और सेल्फी लेने पर बैन लगा दिया गया है। नर्मदा नदी के किनारे सेल्फी लेने के दौरान लगातार हादसे हो रहे हैं। इसको लेते हुए खरगोन जिले के कलेक्टर ने ऐसे खतरनाक स्थानों पर धारा 144 लागू करते हुए मोबाइल से सेल्फी और फोटो खींचने पर रोक लगा दी है। मंडलेश्वर स्थित नर्मदा पुल से कल शाम मछलियों को चने डाल रही वंदना यादव नामक की 15 वर्षीय युवती पुल से अचानक नर्मदा नदी में गिर गई थी। नर्मदा नदी में बहाव तेज होने के बाद घटना के दूसरे दिन भी युवती नहीं मिल पाई। फिलहाल होमगार्ड की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। करीब 13 दिन पूर्व भी अपने भाई को राखी बांधकर पति के साथ घर लौट रही रूपाली पटेल नाम की एक महिला सेल्फी खिंचाने के चक्कर में नर्मदा पुल से अचानक गिर गई थी। नर्मदा पुल सहित घाटों और अन्य प्राकृतिक झरनों पर लगातार हो रहे हादसों के बाद खरगोन जिले के कलेक्टर गोपाल चंद्र डार्ड द्वारा ऐसे खतरनाक स्थानों पर धारा 144 लागू करते हुए मोबाइल से सेल्फी और फोटो खींचने पर रोक लगा दी गई है। वर्तमान में नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग नर्मदा घाटों और किनारों पर पहुंचकर मोबाइल से सेल्फी और साथ फोटो खींच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भगवानपुरा स्थित सिरवेल महादेव के प्राकृतिक झरने में भी 6 दिन पूर्व सेल्फी खींचने के दौरान महाराष्ट्र का एक युवक चट्टानों से उछलकर सीधे झरने के गहरे कुंड में गिर गया था, जिसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने रस्सों के सहारे रेस्क्यू कर उसे बचाया था। सेल्फी पर रोक लगाने के मामले को लेकर खरगोन जिले के कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड ने कहा कि सेल्फी के चक्कर में लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके बाद फैसला लिया गया है कि इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए नर्मदा पुल सहित घाटों और झरनों पर धारा 144 लागू करते हुए तत्काल प्रभाव से सेल्फी लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं कल शाम को मंडलेश्वर नर्मदा पुल से युवती के गिरने के बाद वहां मौजूद उसके भाई का कहना है कि मैं अपनी बहन को मंडलेश्वर से नए कपड़े दिलाकर वापस अपने गांव देवला लौट रहा था, तभी बहन नर्मदा पुल से मछलियों को चने डालने के दौरान अचानक पुल से सीधे नर्मदा नदी में जा गिरी, जिसका अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।